हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स की ताकत सामने आई है और अब केंद्र सरकार ने 2019 के चुनाव से ठीक पहले आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए MFP यानी जंगली उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। MFP जंगलों पर निर्भर आदिवासियों, खासकर भूमिहीन आदिवासी लोगों की आय का 20-40% हिस्सा है। कई समुदाय तो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से ही MFP पर निर्भर होते हैं। MFP यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वन अधिकार कानून के अनुसार लकड़ी के अतिरिक्त हर तरह की पौधोपज शामिल है, जिसमें बांस, टसर, कुकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू और केंदू, औषधीय पौधे आदि आते हैं। हाल ही के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने में आदिवासी महिलाओं का बड़ा हाथ रहा। सरकार के खिलाफ इनकी नाराजगी का कारण बताया गया महुआ का घटता बढ़ता MSP, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जंगली उपज इकट्ठा करती और बेचती हैं। इसका असर उनके वोटों में दिखाई दिया। इसके बाद से साफ हो गया कि अगर सरकार MFP पर निर्भर आदिवासियों पर ध्यान नहीं देगी तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 में से 19 उत्पादों की MSP 5% से 200% तक बढ़ा दी है और MSP की सूची में 17 नए उत्पाद जोड़ दिए हैं। हालांकि प्रस्ताव के अनुसार 52 MFP उत्पादों की MSP जारी की जानी चाहिए थी, पर सरकार ने सिर्फ 40 MFP उत्पादों की MSP जारी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार इस योजना से लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि लंबे समय से उठ रही मांग के बावजूद सरकार ने ये कदम आने वाले चुनाव में होने वाले फायदे को ध्यान में रखकर उठाया है। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।